और बता रहा हूँ 48 सीट से थे इस बार एमपी वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत हम 400 तो क्लर्क की हैं और 230 पीओ की आ रहा है एमपी ग्रामीण बहुत अच्छा जो बंदा 80 में 80 लाया है उसको कट ऑफ की क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, कितना भी जाए पूरा मैंने 80 ला दिया है हो गई। वो कॉन्फिडेंस खुद से आता है, खुद में लाना पड़ता है और एक बार निकला बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्टेड है। नाम बताइए अपना। हर्ष राजदेव बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्टेड। बिस्किट कहाँ है? नहीं 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 पीछे एक और भी कुछ रहेगा तो भाई खुद भी खाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा और दूसरी चीज हाँ खिलाओ। चलो ठीक है मैं खाता हूँ। दूसरी चीज ये बोला था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्टेड हुए मार्क्स कितने आए थे? मेंस में आए थे 113.5 113.5 और प्री में 75 के आसपास। 75 के आसपास चलो बहुत अच्छी बात है। और कौन सा पेपर इसके अलावा? कोई पेपर सर प्री तो मतलब एसबीआईपीयू को छोड़कर सारी निकली थी बिस्किट का हवाई बिस्किट। और सर मतलब जब आईबीपीएस क्लर्क के दी थी उसके पहले पीओ का मेंस का रिजल्ट आया था उसमें मेरा बस इंग्लिश का सेक्शनल रुका था, बाकी मतलब पूरा निकल जाता। मतलब टोटल 55 तो मेरे ऐसे ही हो गए थे मैक्स रीजनिंग और जीएम का। वो सेक्शनल और डिस्क्रिप्टिव चेक ही नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव अगर वो हो जाता तो मेरा मेंस भी हो जाता। तो मैंने टारगेट बनाया था अगर मेरा इंग्लिश वीक है तो मेरे को जो मैक्स रीजनिंग और जीए उनमें ही मेरे को करना है। तो मैंने मतलब 100 मार्क्स उसमें इसमें स्कोर कर लिए थे तीनों सब्जेक्ट। और एमपी का कट ऑफ गया था 102 पॉइंट कुछ गया था तो मैंने 100 इसमें कर लिए थे। और मेरे को इंग्लिश में सिर्फ सेक्शनल निकालना था तो उसमें 13 कुछ मार्क्स आ गए थे तो मेरा सेक्शन हो गया। मेन चीज ये होती है कि ना सिलेक्शन में एक चीज बहुत आपने भी नोटिस किया होगा आरआरबी देते समय कि आरआरबी का जब अपन पेपर देते हैं मेन्स का तो वो तीन सेक्शन कौन से? इंग्लिश या हिंदी कंप्यूटर और जीके। इसमें जितने ज्यादा नंबर लेके आ गए तो मेन्स तो निकलना ही निकलना। इस बार उन्होंने बिल्कुल आपको शायद पता होगा पेपर इधर वाला इजी किए होंगे। और बच्चे पहले क्या करते हैं तीन अटेम्प्ट करते हैं वो तीन अटेम्प्ट में बच्चों की दिक्कत है 12 बजे। अच्छा तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी दिया था उस समय जब आरआर बन गया। इस बार जिस बच्चों ने हिंदी दी ना अपन को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, इस बार हिंदी समझ में नहीं है कि क्या है इतनी सुध। और कंप्यूटर वही आई टी सी एस इंजीनियर वो लेवल एक डिस्क थी उसके बीच में होल हो तो उसका रेडियस क्या है? अब पता नहीं क्या चीज होती है कि मैं तो कंप्यूटर वाला था। मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं थी। मैं ना कंप्यूटर का कुछ पढ़ता था ना कुछ, बस मन ये भाई यही रहता है कंप्यूटर कुछ भी आ जाए बना देगा 40 मतलब 40 क्वेश्चन में आराम से 30 प्लस तो बनेगा ही बनेगा। तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं था। हिंदी तो मैंने इंग्लिश के बाद ही ली थी लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं मैं बोलूँ गेनिंग जो है ना वो तीन यही तीन है क्योंकि इक्वल मार्क्स है ना। मतलब तीन सब्जेक्ट मिला के 100 नंबर और ये दो सब्जेक्ट मिला के 100 नंबर। आप अगर इस वाले 100 में 70 तक लाते हो तो उस तरफ भी अगर आप 40 भी ले आए 100 नंबर हो गए बहुत ही 100 नंबर सिलेक्शन आराम से। नहीं मेरे को है ना वो तीन में ही नंबर आते हैं आज तीन में ही बस करूं आराम से।